एक बार एक छोटा सा 8 वर्ष का बच्चा स्कूल में आग से बुरी तरीके से जल गया। इस हादसे में उसकी टांगे बुरी तरीके से जल चुकी थी और डॉक्टर्स का कहना था कि यह बच्चा फिर से नहीं चल पाएगा क्योंकि उसके पैरों का सारा मांस जल चुका था। हॉस्पिटल से जब वह घर आया तो उसकी माँ उसके पैरों की रोजाना मालिश करती और उसे व्हील चेयर पर घुमाने पास के मैदान में ले जाती। दोस्तों, उस बच्चे में बड़ा दृढ़ विश्वास था, उसकी संकल्प शक्ति काबिले तारीफ थी। उसे विश्वास था कि चाहे कुछ भी हो वह एक दिन चलेगा जरूर। एक दिन जब उसकी माँ व्हील चेयर पर बिठाकर उसे कहीं चली गई तो उसने खुद को चेयर से नीचे गिरा दिया और खुद को घसीटने लगा। वह रोजाना ऐसा करता। जैसे जैसे वक्त बीतने लगा वैसे वैसे उसके पैरों में और जान आने लगी और वह खड़ा होने लगा और फिर धीरे धीरे चलने और दौड़ने भी लगा। और दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि वह अमेरिका का 1 मील दौड़ने वाला सबसे तेज धावक बन गया। उसने 1500 मील की दौड़ में विश्व रिकॉर्ड बनाया। वह कोई नहीं, डॉक्टर गैलन कनिंगम थे। कनिंगम की संकल्प शक्ति को बार बार नमन है। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा दें।